तो एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैमरे वाले भैया शिवा त्रिपाठी भैया और एडिटर भाई साहब की वीडियो इतनी अच्छी लगती है, पर कभी उनकी वीडियो को म्यूट करके देखो कैसी लगेगी। बट जब बैकग्राउंड म्यूजिक किसी क्लिप के साथ जुड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है वो वीडियो। तो आप किस तरीके से उनका सेम टू सेम वीडियो में यूज़ किया हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो में, वो सारी चीज़ें याद होता है ना। पूरे यूट्यूब पे आपको ये कोई नहीं बताएगा किस तरीके से आप उस चीज़ को ले सकते हो। अगर आपको जो भी टिप्स मैं दूंगा उसमें से आपको कोई भी यूज़फुल लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पहली बार देखा तो माय सोशल मोमेंट्स पे फोटोग्राफी और एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो पहली टिप, आपका गूगल असिस्टेंट ही आपको बता सकता है वो कौन सा गाना है जो यूज़ हो रहा है। आपको बस सिंपली दूसरे की वीडियो जिसका आपको म्यूज़िक चाहिए सिंपली आपको किसी दूसरे में या अपने लैपटॉप में यूज़ करके अपने फ़ोन में बस कहना है कि हे गूगल विच सॉन्ग इज दिस, वो गाना सुन के आपको बता देगा। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैं आपको दिखा दूँ। सेकंड टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है कि आजकल के जितने भी वीडियो एडिटर्स आ रहे हैं उसमें एक ऑप्शन रहता है ऑडियो को एग्जैक्ट करने का। तो सिंपली आपको उनकी वीडियो डाउनलोड करना है एंड उस क्लिप को क्रॉप करके उस गाने को जहाँ पे सिर्फ गाना बजाना है उनका कोई डायलॉग एक्सट्रैक्ट कर लेना है वीडियो से और फिर अपने आप में यूज़ कर सकते हो। इसके लिए वीएन एडिटर या इनशॉट एप्लीकेशन मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। एक तीसरा टिप आपको एक वेबसाइट में बता दे रहा हूँ, फाइंड माई म्यूजिक। आपको मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ पे आप म्यूजिक अपलोड करो वो बता देगा ये कौन सा म्यूजिक है, या आपको कुछ बोल बस उस गाने के अपलोड करने हैं और वो गाना आपको मिल जाएगा गूगल पे। तो ये सारे टिप्स अगर आपको पहली बार सुन के मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।